हल्द्वानी में दो स्कूली बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। बस मानकों के अनुरूप चल रही है या फिर नहीं और परिवहन से जुड़े सभी मानकों को चेक करने के लिए आरटीओ ने स्कूल बसों की चेकिंग की है और एक अभियान भी चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत विभाग ने करीब 15 से अधिक बसों पर चालानी कार्रवाई की है, जबकि दो बसों को सीज कर दिया है। वहीं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट खुद बसों में चेकिंग करती हुई नजर आई हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वैसे तो स्कूल की गाड़ियों की हम रेगुलर चेकिंग करते रहते हैं, पर आज एक स्पेशल ड्राइव लगाई थी सिटी मैजिस्ट्रेट मैम के साथ, और एक दो कुछ ऐसे हादसे हो गए तो हमने सोचा कि एक स्पेशल ड्राइव आज लगाई जाए। तो इसमें हम लोगों ने ड्राइवर के लाइसेंस चेक करे और बाकी जो वाहन है मानकों के अनुरूप है या नहीं है, और 50 से ज़्यादा वाहनों को हमने चेक करा, जिसमें से दो सीज भी हुई हैं। और दो दिन पूर्व एक घटना हुई थी कि स्कूल की बस यहीं डिवाइडर पे चढ़ गई थी, और उसके बाद आज एक घटना फिर हुई है कि स्कूल की बस जो है पलट गई है, बच्चों को चोट नहीं लगी है। लेकिन स्पेशली लगातार कई बार अभियान तो चलाए जाते हैं, आज जो अभियान चलाया गया है जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश प्राप्त हुआ था, आज का अभियान स्कूल बसों और स्कूल के वाहनों को लेकर है, जिसमें 60 से ज़्यादा वाहनों को अब तक चेक किया जा चुका है। इन वाहनों में जो भी मानक हैं, फिटनेस है, कार के इक्विपमेंट काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं, ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई है नहीं लगाई है, बैठने की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग बच्चे बैठे हैं नहीं बैठे हैं, और अटेंडेंट है, महिला स्टाफ है या नहीं है, सभी जितने भी मानक हैं।